अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान आबे। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, करंटली वर्किंग इन फिनट्रॉस। हम लोग वहाँ पे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है फिन पॉकेट। फिन पॉकेट एक एप्लीकेशन है जिस पर आप स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आई वॉज वर्किंग विद आर कंपनी सिंस पास 4 ईयर्स, वर्किंग देयर एज एन रिएक्ट जेएस डेवलपर। Which is why I am teaching this lecture. So, working as a reactor since past 4 years, and now switch to new technology towards Android and doing Android things. Thank you. So, start करते हैं. सबसे अपनी presentation start करते हैं. सबसे पहले सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में सीखते हैं। अच्छा, मैं पहले अपना जो है ना थोड़ा सा और भी इस बारे में इंट्रोडक्शन करवा दूं कि हम लोग अभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, एंड देन लेटर ऑन हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को डेवलप भी करके देखेंगे। सो बोरियत का अगर चांस हो तो प्लीज़ उसको साइड पर रखिएगा, क्योंकि हम लोग आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ओके, SPAs जो हैं उनके बारे में कवर करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन इज अ वेब ऐप इन विच मेजोरिटी ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, SPAs जो है ना, मैं उसको आपके एक्सप्लेन करता हूँ। जब React JS या SPAs टाइप ऑफ एप्लीकेशन नहीं आई थी, इससे पहले हम लोग मल्टीपल पेज एप्लीकेशन बनाते थे, जिसमें हम लोग मल्टीपल HTML .HTML के पेजेस बनाते थे। सो .HTML के पेजेस बनाने में प्रॉब्लम ये रहता था कि जब भी आप एक पेज से दूसरे पेज नेविगेट करते थे, तो आपको एक सर्वर साइड पे कॉल लगाना पड़ती थी। जैसे कि जब भी आप लेट से होम टू एनी अदर पेज जाते हैं, सो सर्वर पे कॉल जाती है, एंड देन सर्वर उस कॉल को फेच करके आपको पेज ला के देता है। SPAs ने इसको डेप्रिकेट किया, और डेप्रिकेट इन अ सेंस ये किया सो मेरी शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं पहले उसको ठीक कर लूं। लेट्स से हम होल डेस्कटॉप ही शेयर कर देते हैं। ओके, सो हम लोग थे कि SPAs ने उसको डेप्रिकेट कर दिया है, और फुल्ली क्लाइंट साइड पे हम लोगों ने जो है पेज मैनेजमेंट कर ली है। लोग ज्वाइन किए जा रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना है। अच्छा, और मल्टी पेज अदर जो है ना, हम लोगों को जैसे अंदाज़ा ही है, अक्सर हम लोगों ने बनाया भी होगा, एपटेक में तो सिखाते हैं। सो हम लोगों ने उसके लिए, सॉरी डिस्टॉर्शन आ रही है, अगर आप लोग अपना म्यूट कर दें तो मैं फिगर आउट कर। अच्छा, MPS जो है हम लोग जावा पे बना सकते हैं, PHP पे बना सकते हैं, ESP, रूबी, पाइथन पे बना सकते हैं। हम लोगों ने अक्सर इनमें से चंद लैंग्वेजेस यहाँ एपटेक में सीखी ही होंगी। MPS वर्क ऑन मल्टीपल रिक्वेस्ट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, जो कि मैंने अभी समझाया आपको कि जब भी आप index.html टू नेविगेट करते हैं home.html पे, सो आप क्लाइंट से सर्वर साइड पर एक कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर पेज ला के दें। As websites have grown in complexity, so have the demands they make on servers. Server इसमें ज़्यादा busy हो जाते हैं। फिर AJAX इसमें आ गई कि यार आप जो है ना reloading का partly elevate this issue. Let's say हमने जब tap किया तो AJAX से हम लोगों ने user को क्या किया कि loading दिखाई कि यार let's say हम लोग लेकर आ रहे हैं page को, so आप तब तक wait कर लें, क्योंकि हमारे servers जो है ना वो आहिस्ता एक्सटेंसिव ऐप्स की वजह से स्लो होते जा रहे थे, तो हमें AJAX की ज़रूरत पड़ी ताकि हम यूज़र्स को ये दिखा सकें कि यार हम लेकर आ रहे हैं, वरना एंगेज नहीं होंगे यूज़र्स तो चले जाएंगे। ओके, फ्रेमवर्क्स जो कि SPAs बनाने में हमें हेल्प करते हैं, React JS, Angular एंड Vue.js। आज पर्टिकुलरली हम लोग React JS पे ही बात करेंगे। इंट्रोडक्शन करते हैं React JS का। React JS इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस।
अच्छा, रिएक्ट जेएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना फीचर है, वो यही है कि वो क्लाइंट साइड बिल्डिंग करती है, यूजर इंटरफेस बनाती है। जैसे हम लोगों ने देखा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जाके हम लोग एच टी एम एल के टैग्स लिखते हैं, इनपुट टैग्स लिखते हैं, डिव्स बनाते हैं, ताकि यूजर जो है वहां पर इंटरेक्ट कर सके उन एलिमेंट से। रिएक्ट जे एस पर्टिकुलरली इसी काम को ज्यादा बेहतर अंदाज में करने के लिए आई थी ये लाइब्रेरी। ओके, तो इसका फर्दर डाउन हम लोग इतनी बातें तो कर चुके हैं, तो हमें मेरे ख्याल से कुछ बनाना चाहिए, और बनाने के लिए सबसे अच्छी एप्लीकेशन यही होगी, क्योंकि यह एप्लीकेशन हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा बनाई हुई है और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, और इसको हम बना के भी देखते हैं। इसका हम लोग जो है ना कोड लेवल पे करके भी देखते हैं। अच्छा, मैंने जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करना, तो मैंने इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपको करना ये होगा कि फोल्डर पे जाएंगे, सीएमडी लिखेंगे, मैक पे होंगे तो आप टर्मिनल ओपन करेंगे और ये कमांड चलाएंगे, npx create react app and your app name my app, ठीक है, ये कमांड चलाएंगे, ये रिएक्ट जेएस के पैकेजेस को डाउनलोड करेगा एंड आपके लिए ये रॉ फॉर्म में एप्लीकेशन लेकर आ जाएगा। नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक का फोल्डर, सोर्स का फोल्डर एंड देन ये गिट इग्नोर, ऑब्वियसली इसमें पहले से ही मौजूद होता है गिट, अगर आपको इसका अंदाजा हो तो। एक होता है पैकेज डॉट जेसन और एक होता है पैकेज लॉक डॉट जेसन, एंड रीडमी फाइल वैसे ही बन जाती है जब आप जो है ना इस कमांड के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। अच्छा, ये डाउनलोड करने में बड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले ही ये डाउनलोड करके रख ली थी, और रॉ फॉर्म में आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, जैसे क्रोम पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे तो डबल टैप करेंगे तो वो हमें दिख जाएगी, फॉरन क्रोम पे रन हो जाएगी। इसके लिए बड़ा सिंपल है, आपको ये लिखना है npm start। इनके प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपको npm इंस्टॉल करना होगा, npx इंस्टॉल करना होगा। जब हम स्टार्ट करेंगे npm start, तो हमारे सामने इस तरह की एक एप्लीकेशन आ जाएगी, लोकल होस्ट पोर्ट 3001 पे रन हो रही है। ओके, सो ये हमारी डिफॉल्ट ऐप है, और हमें बनानी है हेलो वर्ल्ड ऐप, जो कि सबसे अच्छी ऐप होती है क्योंकि इसमें कोई बग्स नहीं होते। ओके, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड के अंदर जाएंगे, एप्लीकेशन खोलेंगे। अच्छा, इसका पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये है ऐप डॉट सी एस एस, रूट लेवल की जो सी एस एस है वो यहाँ पर होती है। ऐप डॉट जे एस, हमारी कोर ऐप यहाँ पे मौजूद है। आगे फर्दर जाते जाएंगे कि ये कोड कैसे लिखा हुआ है, आपको मोस्ट लाइकली सबको एच टी एम एल ही नजर आ रही होगी, बट दिस इज जे एस एक्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये टेस्ट फाइल्स हैं, जब आपको टेस्ट लिखने होते हैं एप्लीकेशन के। ये इंडेक्स डॉट सी एस एस है एंड इंडेक्स डॉट जे एस। अच्छा, ये एप्लीकेशन, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन का रूट है। सो एप्लीकेशन स्टार्ट ऐसे होती है कि ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इससे तो सब फेमिलियर होंगे क्योंकि ये रॉ फॉर्म में एच टी एम एल लिखी हुई है, उसके अंदर हम लोगों ने ये इंजेक्ट किया हुआ है लिंक मैनिफेस्ट से, मैनिफेस्ट डॉट जेसन का, और पब्लिक यूआरएल से लोगो डॉट 192 का, और इसके अलावा आइकॉन जो है फैब आइकन ये यहाँ पे मौजूद है ये रहा। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक रूट एलिमेंट है बॉडी के अंदर और उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर एसपीएस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अब हम मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस नहीं बनाएंगे, बजाय इसके हम एक ही एचटीएमएल के अंदर रूट एलिमेंट रखेंगे और उसके अंदर हर एक चीज को खुद नेविगेट करेंगे। तो उसके लिए ये इस रूट एलिमेंट को पॉपुलेट करने के लिए ये इंडेक्स डॉट जे एस काम पे आती है, और ये कहता है कि रिएक्ट डोम के डोम से रेंडर करो
इस चीज को इस एलिमेंट के अंदर। अब ये कैसे करता है, सिंपल ऐप डॉट जेएस के अंदर जाएंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये लोगो काम कर रहा है, हम सिंपल जाएंगे और यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे एक पी टैग और मे बी इट शुड बी H1, यही सबसे बेहतर सबसे पहले टेक में सिखाया जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस वेबिनार और यहाँ पे रीप्ले करते हैं और यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट जेएस वेबिनार आ गया। अगर मैं आपको इसका इंस्पेक्ट करके आपको इसका कंसोल दिखाऊं तो आप बॉडी में देखेंगे एक रूट टैग है और उसके अंदर आके डाटा इंसर्ट हो रहा है। ये ऐसे होता है कि जब हम इसको कहते हैं रिएक्ट डोम डॉट रेंडर दिस इनटू दिस रूट एलिमेंट में आप इसको जाके इंसर्ट करते हैं। इट कैन बी एनी अदर एलिमेंट टू, आप यहाँ जाके इसका इसको कमेंट आउट कर दें, कमेंट आउट कर दें एंड देन आप एक और डिव बना लें और उसका आईडी दे दें, उसका आईडी दे दें आप लेट्स से ऐप माय ऐप रूट और माय ऐप रूट में जाके आप इंडेक्स डॉट जी एस को कहें कि आप मेरी एप्लीकेशन को इसके अंदर एंटर कर दें। तो अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम साइड पे रखते हैं ताकि कोई आए तो हम अंदाजा हो जाए। ओके अब हम रन करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन सेम चलेगी और इस बार मेरा डेव जो है वो माय ऐप रूट हो गया क्योंकि मैंने पिछले वाले को चेंज कर दिया। जनरली हम लोग इसको सेम रूट ही रखते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, फेसबुक ने भी इसको आज तक रूट ही रखा हुआ है। ओके अब आ जाते हैं मेन ऐप पे जो हमारा एप्लीकेशन है। हेलो वर्ल्ड हमने ऐप बनानी थी, हेलो वर्ल्ड बनाते हैं और फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये बग फ्री ऐप हम लोगों ने बना दी है डिप्लॉय। ओह शेक, इसमें ही तो बग है, इसमें बग इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने इसको रूट कर दिया है और यहाँ पे बताया नहीं है कि किस एलिमेंट में रेंडर करना है। और रिफ्रेश, अच्छा यहाँ पे मैंने इसका हॉट रीलोड ऑन नहीं किया हुआ विजुअल कोड का, सो आप लोग विजुअल कोड का हॉट रीलोड ऑन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप वहां पे लाइन ऑल्टर करेंगे और यहाँ आ जाएगा कोड। ओके फर्दर डाउन हम जाते हैं, हमने हेलो वर्ल्ड बना ली है, आई एम अ रॉक स्टार ऐप डेवलपर। ओके इसे कहा, इसे क्या हुआ, स्लाइड मेरा अटक गया है। हम अपना स्लाइड्स को रीलोड कर रहे हैं जो कि रिमोट कंट्रोल स्टॉप वीडियो सिक्योरिटी पार्टिसिपेंट रिकॉर्ड, सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग बहुत लेट स्टार्ट की और हशाम के मैसेज की वजह से। अच्छा मेरी स्लाइड्स रीलोड नहीं हो रही, दो मिनट हम शेयरिंग रोक रहे हैं ताकि हमारी स्लाइड्स चल जाएं। तब तक आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें कमेंट्स में मैसेजेस में कि आप लोग ने क्या क्या कर रखा है या ऐप टेक के हैं या कहाँ से हैं, ताकि मुझे भी पता हो मैं किस ऑडियंस के साथ एंगेज हूँ और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हैं तो वो भी आप लोग नोट डाउन करते रहें और हम लोग जो है
सेशन के एंड में कोशिश करेंगे कि उनको आंसर करेंगे। सो शेयर स्क्रीन वापस से, और हमारी प्रेजेंट, हम एक रॉकस्टार डेवलपर हो चुके हैं क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड ऐप बना दिया, और उस एप्लीकेशन के अंदर क्रैशेज भी नहीं है। हाँ, एक क्रैश आया था, वो रिजॉल्व हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं JSX पर, सिंगल पेज एप्लीकेशन, लेट्स बिल्ड एंड देन JSX। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि मैं ये लिख रहा हूँ और इट इज सिमिलर टू HTML बट इट इज नॉट एन HTML। तो ये बात बहुत जरूरी है समझना कि ये JSX है, इट इज नॉट HTML, इट इज अ JSX सिंटैक्स। JSX जो है वो JavaScript XML है, ये सेम लाइक HTML ही होती है। इसमें टैग है, टैग के जो है टैग के अंदर आप डेटा लिखेंगे, आप इसमें स्टाइल का आप इसमें स्टाइल लिख सकते हैं जैसे आप लोग जनरली HTML में लिखा करते थे, और इसमें जो है आप वो इनपुट दे सकते हैं, लेकिन इसमें आप इनपुट देंगे एज जेसन, और जेसन में आप लिखेंगे आप देना चाहते हैं, सॉरी एक एक्स्ट्रा, आप इसे कलर करना चाहते हैं और रेड करना चाहते हैं। ओके, माय मिस्टेक, हमें डबल कर्ली ब्रैकेट्स में आना होगा ताकि हम जेसन। सो दिस इज एन इनपुट टैग कि हम इनपुट देने जा रहे हैं, एंड दिस इज इनपुट डेटा कि हम एक जेसन डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके चलते हमारा रेड कलर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये जनरली HTML में करते हैं तो हमें स्टाइल को इस तरीके से नहीं लिखना होता, स्टाइल हम बहुत सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल, एंड यहाँ पर हम कह देते हैं कि बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक और रेड। सो ये स्टाइल यहाँ पे रेंडर नहीं हुआ क्योंकि मैंने सेव करा नहीं, और यह हमारा बॉर्डर बन गया। सो HTML के अंदर स्टाइल टैग इज डिफरेंट, JSX के अंदर स्टाइल टैग इज डिफरेंट क्योंकि ये JavaScript XML है, इट इज नॉट एन HTML। ये एक लेयर है जो कि HTML के ऊपर लिखी गई है टू हेल्प रिएक्ट JS। अच्छा, ये इस तरीके से होता है जैसे आप H1 का यहाँ टैग लिखते हैं और आप इसमें जो भी रेंडरिंग करना चाहते हैं, रिएक्ट क्या करता है उसको अपने डोम से निकाल कर JavaScript डोम तक लेके जाने के अंदर उसको जितनी भी उसके लेट से आपको हेल्पफुल टूल्स देने हैं, आपको उसने इसके अंदर सिंथेटिक शुगर लगाने की इजाज़त देनी है कि आप यहाँ लिख लें नेम वैल नेम इक्वल्स टू उस्मान, एंड आप यहाँ सॉरी वैल नेम कॉन्स्ट, और यहाँ आके आप नेम इंसर्ट करवा दें। ये सारा कुछ करने के लिए इसने JSX लिखी कि आप जब टेम्पलेटिंग कर रहे होंगे तो उस टेम्पलेटिंग को रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के डोम तक पहुंचाने से पहले पहले जितने भी काम करने हैं वो सारे आप JSX के अंदर लिख दें ताकि वो रॉ फॉर्म में कर ले। अदरवाइज आप जब रिएक्ट के डोम जावास्क्रिप्ट के डोम एलिमेंट्स बनाते हैं जो कि ये हैं HTML, तो उसके ऊपर JSX काम नहीं कर पाएगा, React JS काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली इंसर्ट होते हैं JavaScript के डोम में। एल्सवाइज जो हमारे JSX के एलिमेंट्स हैं वो React डोम के थ्रू जाते हैं JavaScript डोम में। मैं सॉलिड ब्लैक और रेड, सो ये स्टाइल यहाँ पर रेंडर नहीं हुआ क्योंकि मैंने सेव करा नहीं, और यह हमारा बॉर्डर बन गया। सो HTML के अंदर स्टाइल टैग इज डिफरेंट, JSX के अंदर स्टाइल टैग इज डिफरेंट क्योंकि ये JavaScript XML है, इट इज नॉट एन HTML। ये एक लेयर है जो कि HTML के ऊपर लिखी गई है टू हेल्प रिएक्ट JS। अच्छा, ये इस तरीके से होता है जैसे आप H1 का यहाँ टैग लिखते हैं और आप इसमें जो भी रेंडरिंग करना चाहते हैं, रिएक्ट क्या करता है उसको अपने डोम से निकाल कर जावास्क्रिप्ट डोम तक लेके जाने के अंदर उसको जितनी भी उसके लेट से आपको
हेल्पफुल टूल्स देने हैं आपको, उसमें इसके अंदर सिंथेटिक शुगर लगाने की इजाजत देनी है। क्या आप यहाँ लिख लें नेम, वैल नेम इक्वल्स टू उस्मान, एंड आप यहाँ सॉरी वैल नहीं कॉन्स्ट, और यहाँ आके आप नेम इंसर्ट करवा दें। ये सारा कुछ करने के लिए इसने JSX लिखी कि आप जब टेम्पलेटिंग कर रहे होंगे तो उस टेम्पलेटिंग को रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के डोम तक पहुंचाने से पहले पहले जितने भी काम करने हैं वो सारे आप JSX के अंदर लिख दें ताकि वो रॉ फॉर्म में कर ले। अदरवाइज आप जब रिएक्ट के डोम जावास्क्रिप्ट के डोम एलिमेंट्स बनाते हैं जो कि ये हैं HTML, तो उसके ऊपर JSX काम नहीं कर पाएगा, रिएक्ट JS काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली इंसर्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट के डोम में। एल्सवाइज जो हमारे JSX के एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट डोम के थ्रू जाते हैं जावास्क्रिप्ट डोम में। मैं बार बार ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ डोम, होप आपको पता हो, नहीं पता तो आप लोग क्वेश्चंस में लिख दें ताकि हम जो है ना एंड में इसको कवर करें। ओके हम स्लाइड्स की तरफ वापस आते हैं। अच्छा द फनी टेक्स्ट सिंटैक्स इज नीदर आ स्ट्रिंग और नॉर HTML, इट इज कॉल्ड JSX एंड इट इज सिंटैक्स एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, रेकमेंड यूजिंग इट विद रिएक्ट टू डिस्क्राइब द UI शुड लुक लाइक। सो मैंने ये आपको सब कुछ समझा दिया है, इट्स टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा। एम्बेडिंग एक्सप्रेशन इन JSX, मैंने एक्सप्रेशन आपको इंसर्ट करके दिखा दी, ये एक एक्सप्रेशन है। अच्छा इंसर्शन इससे पहले बहुत हार्ड थी, क्या आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करना पड़ता था और फिर उसके अंदर डॉट HTML सेट करनी पड़ती थी, फिर उसके अंदर आपको ओल्ड सिंटेक्स को ओल्ड वैल्यू को भी रखना होता था एंड देन अपेंड भी करना होता था, और इसके अंदर इट इज़ वेरी सिंपल कि आप जो है वेरिएबल को डायरेक्टली इंसर्ट कर दें एज एन एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन आर कर्ली ब्रेसेस विद इन JSX टैग। ओके सो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, रेंडरिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके कोई और भी हमें ज्वाइन किया है। अच्छा एलिमेंट्स आर स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट JS। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक एलिमेंट है, हम लोगों ने HTML में भी पढ़ रखा है कि टैग्स होते हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। देन अगर मैं ये लगाऊं तो ये भी एक एलिमेंट बन जाता है, मैं इसके अंदर ये भी लगाऊं तो ये भी एक एलिमेंट है। एलिमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसका मतलब है कि जो जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है हमारा टैग है, इट कैन बी अ एलिमेंट, div इज अ एलिमेंट, h1 इज अ एलिमेंट, जस्ट लाइक टैग्स आप एलिमेंट समझ सकते हैं, टैग्स आर इक्वल्स टू एलिमेंट्स। एन एलिमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट यू वांट टू सी ऑन द स्क्रीन, जैसे हम लोग चाहते हैं कि एक div हो एंड देन h1 हो, तो div इज अ एलिमेंट एंड h1 इज अ एलिमेंट। ओके एनिमल हो जाता भी है। ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स। अभी हम लोग इस सब को जो है ना कंपाइल करके एक एप्लीकेशन बनाने की भी कोशिश करेंगे अगर हमारे पास वक्त रहा तो। उससे पहले हम लोग टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, कंपोनेंट एंड प्रॉप्स। कंपोनेंट्स लेट यू स्प्लिट द UI इनटू द इंडिपेंडेंट प्री यूजेबल पीसेस एंड थिंक अबाउट ईच पीस इन आइसोलेशन। अच्छा इस ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिएक्ट की, जो कि हमें ये बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कहेंगे इसको, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसलिए कि हम लोग एप्लीकेशन में रीयूजबिलिटी ला सकते हैं। रीयूजबिलिटी इन अ सेंस के जैसे हम लोग एक फेसबुक को ले लें, तो फेसबुक के पास हमारे लिए फीड्स होती हैं, हम एक यहाँ पे फीड्स का एरे बनाते हैं, फीड्स इक्वल्स टू दिस, एंड हम यहाँ पे कहते हैं डेव, सॉरी इट शुड बी आर H1, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फीड्स, यहाँ पर मैं एक डेव बनाता हूँ, एंड आई वांट कि यहाँ पे जो फीड्स हैं डॉट फॉर ईच और डॉट मैप, मैप के अंदर मैं कहूँगा फीड। होप आप इस सिंटेक्स से जो है फेमिलियर हों, क्योंकि ये
जो एरो फंक्शन है ये एक्मास्क्रिप्ट के अंदर आया है और आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा, अगर नहीं तो फिर हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं कि फीड डॉट नेम, और इस नेम को यहाँ पर आप प्रिंट कर दें एना रिटर्न पी टैग फीड यूजर नेम दिस, एंड यहाँ पे हम नेम्स रखते जाते हैं, नेम उस्मान, हमारे साथ और पार्टिसिपेंट्स कौन मौजूद हैं, हशाम, हशाम रख देते हैं यहाँ पे नेम, ओके एक एक्स्ट्रा लग चुका है यहाँ पे, इसको हम बाय बाय कर देते हैं और यहाँ आते हैं। तो ये देखें एक ही कंपोनेंट है हमारा विच इज दिस, बट ये मल्टीपल टाइम्स रन हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, दिस इज रीयूजेबिलिटी। हम अब कंपोनेंट्स बना सकते हैं और उनको रीयूज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में, रादर हम जो पहले किया करते थे कि हमें जो है डेटा आता था उसकी जेसन की बेसिस पे हम लोग डिव एचटीएमएल क्रिएट करते थे, हम कहते थे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसके अंदर हम कहते थे कि डिव और उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करते जाते थे वन बाय वन, बट रिएक्ट जेएस में इट इज़ वेरी सिंपल कि आप उसका एक कंपोनेंट बना के रख दें और उसके अंदर एक्सप्रेशंस के थ्रू आप जो है आप अपनी स्टाइलिंग कर लें और उसको आप जो है रेंडर करते रहें ऑन द बेसिस ऑफ योर डाटा। हम इसको कंपोनेंट, हम लोग अभी कंपोनेंट्स ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि एक सेपरेट फाइल में ले जाते हैं ताकि हमारा कोड यहाँ क्लटर ना हो और इतना एक्सटेंसिव ना हो जाए कि हम लोग उसको फर्दर डाउन रीडेबल ना हो रहे कोड को। हम लोग एक फाइल क्रिएट कर रहे थे विच इज हमारा कंपोनेंट और इसका नाम दे देते हैं कि फीड कंपोनेंट डॉट जेएस। एडमिट कर लेते हैं नेटन। यहाँ पर हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं फंक्शन फंक्शन फीड कंपोनेंट, एक्सपोर्ट करते हैं इसको। जावास्क्रिप्ट में हम लोग जब भी रिएक्ट जेएस में हम लोग मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे तो हम उनको एक्सपोर्ट भी करेंगे ताकि जो है अदर फाइल्स में वो यूज हो सकें। अच्छा, ये हमारा एक फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, अब हमें इसमें से रिटर्न करना है हमारा कंपोनेंट जो कि हमने वहां बनाया है, एक फीड है फीड यूजर नेम, एंड यहाँ पर हमको नेम पास करना है। यहाँ पे बात आ जाती है प्रॉप्स की, कि हम जो है जब एक सेपरेट कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, तो वो वैल्यूज हम वाया प्रॉप्स पास करेंगे। प्रॉप्स यहाँ पर आ जाते हैं, हम कहेंगे एक नेम यहाँ आएगा, उस नेम को आपने यहाँ इंसर्ट कर देना है। अब यहाँ आते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट थ्रू कमांड लाइन और वेब, हम इनको आंसर्स करेंगे मोहम्मद हमाद। पहले हम ये अपनी चीजें फिनिश कर लें और फिर हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस का आंसर करने की। इसके लिए अच्छा, हम लोगों ने जब जेएसएक्स लिखी है तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा रिएक्ट टोन को। इसके लिए हम सिंपल ये करते हैं कि हम लोग इसका क्रैश आने देते हैं, फंक्शन फीड यूजर नेम, और यहाँ पर हम इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट, और क्या नाम रखा है हमने, फीड कंपोनेंट फ्रॉम फीड कंपोनेंट, और उस फीड कंपोनेंट को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अच्छा, फीड कंपोनेंट को एक प्रॉप चाहिए,
और वो प्रॉप हम यहाँ से पास करेंगे एक यूजर के नाम से और फीड के नाम से, और यहाँ पे हम फीड पास कर देंगे, फीड कंपोनेंट फ्रॉम फीड कंपोनेंट। इसमें क्या प्रॉब्लम आई है देखते हैं। हमें फाइल, मैंने फाइल पाथ सही नहीं दिया, फीड कंपोनेंट सॉरी, मैंने फाइल पाथ सही नहीं दिया था। अब हम आते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि हमारी चीज चल रही है। फीड यूजर नेम हम लोगों ने वहां तक पहुंचा तो दिया, बट हमारा नेम रेंडर नहीं हो रहा। उसका मेन रीजन है कि हमने यहाँ से यूजर को रिसीव करना है, सॉरी फीड रिसीव करनी है, क्योंकि वहां से फीड आ रही है। फीड डॉट नेम, ओके फीड डेटा, रीलोड। ऐसा क्या कर दिया हमने जो हमारा डाटा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। रिटर्न फीड कंपोनेंट, एंड हम लोगों ने यहाँ पे एज अ प्रॉप डेटा को पास करना है। डेटा एक की होगी और उसकी वैल्यू होगी फीड, जो कि करंटली हमारे पास अवेलेबल है। उसको हम यहाँ लेके जाते हैं, रिटर्न करेंगे। आई गेस हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना रह गया हमारा रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम, तो उसको इम्पोर्ट करते हैं। सॉरी दिस शुड बी परफेक्ट, ओके। हमारे पास रेंडर नहीं हो रहा है, इसको हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आ पा रहा है। हम इसको कंसोल करके देखते हैं कि यहाँ डेटा में क्या आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है जिसके अंदर नेम मौजूद है, तो वो नेम यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड, ओके। तो डेटा के अंदर डेटा है, अब नाम मिलेगा हमें। सो यहाँ पे हमें प्रॉप्स अवेलेबल हो गए, और हमने प्रॉप्स में पास किया है एक डेटा, एक फीड, और उस फीड में से हमें नाम शो करना है यूजर को। तो यहाँ पर हमने इसको वापस फीड बना दिया, अब हमारे पास नाम मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या है, अब वो वापस एक दफा देख लेते हैं कि ये हम लोगों ने जो कि यहाँ पर रॉ फॉर्म में HTML लिखी थी, JSX लिखी थी, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है एक कॉम्पोनेंट के अंदर, रीयूजेबल कंपोनेंट के अंदर। अब हमारे पास ये कंपोनेंट बन गया है। मैं अभी कंट्रोल जेड वापस किया है कि ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अगर मैं एक्सटेंसिवली इस कंपोनेंट को बढ़ाता रहता तो मेरा यहाँ पे ही सारा क्लटर हो जाता डेटा, और मैं जो है इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाता, या फिर करता भी जाऊँ तो क्लटर हो जाएगा, रीडेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे पी टैग भी ऐड कर लेंगे, जिसमें हम यही रख देंगे वापस, और यहाँ पे हम लोग लेट से एक और पी टैग बनाएंगे जिसमें हम लोग वैल्यूज रख देंगे कि इसकी मैसेज क्या था, मैसेज हेलो, और यहाँ पे भी मैसेज रख देंगे हाय, और इस मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे फीड डॉट मैसेज के थ्रू। अब जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करता जाऊंगा प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे वो भी आता जा रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही होगी कि ये हमारा एक कंपोनेंट पहले से मौजूद है, उस कंपोनेंट के अंदर हम लोग और कंपोनेंट को बनाए जा रहे हैं और कोड को बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग को इनको करना होगा मल्टीपल फाइल्स के अंदर ले जाएंगे और फाइल के अंदर से एक्सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे सीधा सीधा फीड को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि हमारा ये मसला ही हल हो जाए, ठीक है।
अच्छा, इस मैंने इसको यहाँ पे नहीं लेकर आया हूँ, यहाँ पे फीड कंपोनेंट, और उसके साथ हम लोगों ने फीड पास कर दी, और यहाँ पर आके हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो है एक, अब हम लोगों ने सेपरेट फाइल बना लिया। अब हम इस फाइल में जितना चाहे इस कंपोनेंट को एक्सटेंड करते रहें, हमारा कोड भी जो है वो सेपरेटली पड़ा हुआ है, तो हमें इसकी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि जैसे रीडेबिलिटी के इशू आते हैं जब आपकी टीम बड़ी होती जाती हैं, तो रीडेबिलिटी की इशू आती है, या टीम बड़ी ना भी हो आपको ही फर्दर डाउन अपना प्रोजेक्ट को पढ़ना हो तो आपको लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि लेट्स से हम ऐप डॉट जे एस के अंदर थे और हमको ये कंपोनेंट यहाँ यूज़ करना था, और उसके अलावा हमको ये कंपोनेंट यहाँ भी यूज़ करना था, लेट्स से अदर फील्ड्स के बाहर, डेव अदर फील्ड्स, और हमको यहाँ भी सेम कंपोनेंट को कॉल, हम यहाँ भी सेम कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं। अगर हम लोग पुराने वाले पैटर्न पर रहते तो हमको यहाँ पे दोबारा से वही सेम कोड लिखना पड़ता, और उसकी वजह से हमारी रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट खराब हो जाता। अब देखेंगे तो बड़े सिंपल तरीके से मुझे इसको जहां जहां यूटिलाइज करना है मैं बड़ी आसानी से जो है इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ये एक कॉम्पोनेंट है, ये एक चीज कॉम्पोनेंट है, इसकी वजह से मैं इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ। और प्रॉप्स इसमें बड़े क्लियर हो गए कि हमको उस कॉम्पोनेंट को जो डाटा देना होता है वो वाया प्रॉप्स देते हैं, और प्रॉप्स यहाँ से हम रिसीव कर सकते हैं। ये ECMAScript का सिंटेक्स है कि आप जो है ना स्प्रेड ऑपरेटर लगा लें और जो भी वैल्यू एक जेसन के अंदर आ रही है उसको रिसीव कर लें डायरेक्टली, वरना ये हमको डॉट डॉट करके लगाना पड़ता, जैसे यहाँ पे प्रॉप्स एंड देन प्रॉप्स डॉट फीड एंड प्रॉप्स डॉट फीड। इसके लिए हम लोग डायरेक्टली करते हैं कि स्प्रेड लगाते हैं, और स्प्रेड से जो है ना हम लोग वैल्यूज को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। ओके, फर्दर जाते हैं हम लोग हमारे कोड के अंदर। हमने देखा एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाकर उसमें प्रॉप्स पास करके, और दूसरा आ जाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जो कंपोनेंट पढ़ा अभी, हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ा है। अब हम लोग एक जावास्क्रिप्ट में दो तरह, सॉरी रिएक्ट जेएस में दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक है क्लास कंपोनेंट और एक है फंक्शनल कंपोनेंट। हम जो बना रहे हैं वो है फंक्शनल कंपोनेंट, और एक और कंपोनेंट होता है उसे हम ना लेते हैं यहाँ पे फीड कंपोनेंट टू डॉट जे एस विच इज क्लास कंपोनेंट, क्लास फीड कंपोनेंट। अच्छा, प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने इसको डिफॉल्ट पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो हमको इसको दूसरा नाम देना होगा, लेट्स से फीड कंपोनेंट टू, और इसको एक्सटेंड करना होगा हमको रिएक्ट डोम से, रिएक्ट कंपोनेंट से, और उसके लिए हमें रिएक्ट को यहाँ इंपोर्ट भी करना होगा। इंपोर्ट मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो फिर फजूल में मैं क्यों लिखूँ। अच्छा, ये जो है ना आपको ये इम्पोर्ट्स तो दो लाजमी रखने होंगे, एक रिएक्ट का और रिएक्ट डोम जो है ना, अंटिल आप जो है ना यहाँ से जेएसएस रिटर्न नहीं करते। अच्छा, क्लास की जहाँ तक बात आ गई, इसको वापस हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ऑन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पे एक्सपोर्ट करने का मकसद ये है कि जो है इस टाइप का एक ही एलिमेंट होगा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जब आप मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं तो फिर आप मल्टीपल नेमिंग भी कर पाएंगे, और सिंगल उसमें ये गलती हो सकती है कि आप फीड कंपोनेंट के नाम का दो क्लासेस बना दें। सो आप डिफॉल्ट पे एक्सपोर्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट जब कंपाइल हो रहा होगा तो वो डायरेक्टली मना कर देगा कि डिफॉल्ट पे पहले से ही एक कंपोनेंट एक्सपोर्टेड है। ओके, यहाँ आ जाते हैं आप क्लास कंपोनेंट के अंदर। क्लास कंपोनेंट के हमारे पास कुछ फंक्शन मौजूद हैं पहले से ही। जैसे हम लोगों ने देखा फंक्शन में हम लोग सिंपली जे एस एक्स रिटर्न करवाएंगे और हमारा काम बन जाएगा, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम लोगों को रेंडर का फंक्शन कॉल करना पड़ता है टू रिटर्न एनी व्यू,
यहाँ पर हम लोग सेम HTML कॉपी करते हैं और रिटर्न कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे इसको प्रॉप्स चाहिए होंगे, फिलहाल के लिए हम लोग इसको हार्ड कोड कर देते हैं। इट शुड बी उस्मान एंड इट शुड बी हाई, और हम लोग इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं। फीड कंपोनेंट टू फ्रॉम टू, और यहाँ पर जो हमारा सेकंड है उसको हम टू वाला बनाते हैं। अच्छा फीड यूजर हमने देखा अदर फीड्स, एंड यहाँ पर डेटा ये क्लास कंपोनेंट है और ये जो है हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है, दोनों के अंदर कोई फर्क हमें नज़र नहीं आ रहा, पर इसमें बहुत बड़ा फर्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्लास है और यहाँ पे फंक्शन है। अच्छा इन दोनों एक ही जैसे कॉम्पोनेंट ही बनाना है तो उसकी दो टाइप्स क्यों, फंक्शन क्यों और क्लास क्यों? तो क्यों, क्लास में हमारे पास बहुत सारे लाइफ साइकिल्स मौजूद हैं कंपोनेंट के। कंपोनेंट कब रेंडर होता है, कंपोनेंट कब जो है वो आउट होता है स्क्रीन से, उन सब के लिए। तो हम लोग फर्दर डाउन उसमें जाते हैं कि क्लास कंपोनेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कब हम लोगों को क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट बनाना चाहिए। कंपोनेंट्स एक्सपेक्ट आर्बिट्री इनपुट्स कॉल्ड प्रॉप्स एंड रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट्स डिस्क्राइबिंग व्हाट शुड अपेयर ऑन द स्क्रीन। कंपोनेंट्स व्हेन टू यूज व्हिच टाइप ऑफ कंपोनेंट, जैसे एक ये पोस्ट है फेसबुक की ही पोस्ट ले लें, तो ये हमने क्रिएट की है, ये एक प्रोफाइल इमेज है, इट शुड बी अ फंक्शनल कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं है, जस्ट एक रिटर्न एलिमेंट है, मैंने उसको यूआरएल दिया उसने मुझे इमेज रिटर्न कर दी। यहाँ पर देखूँ तो इटसेल्फ ये एक कॉम्पोनेंट्स का मजमू है, इसके अंदर काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट्स हैं और मैंने इसको क्लास कंपोनेंट्स दे दिया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी रेंडरिंग होगी। इसमें लाइक का बटन जब प्रेस होगा तो मुझे रिटर्न करवाना होगा सर्वर को कि भाई लाइक हुआ है। कमेंट में क्योंकि मुझे यूआई के अंदर चेंजेस करने होंगे तो मैंने इसको क्लास कंपोनेंट बनाया। इट कैन बी अ फंक्शनल कंपोनेंट बट मैंने फिलहाल क्लास कंपोनेंट बनाया। कब सेपरेट करना होता है हमें फंक्शनल को, कब समझना होता है और कब हमें जो है ना हमें क्लास कंपोनेंट बनाना चाहिए, इसको फर्दर डाउन हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। पहले आ जाते हैं स्टेट्स एंड लाइफ साइकिल्स पर, ठीक है। उसको मैंने ये कवर करूंगा कि क्लास कंपोनेंट्स अभी जो है ना उसको कैसे करते हैं। स्टेट एंड लाइफ साइकिल पर आ जाते हैं। स्टेट्स, द स्टेट इज एन इंस्टेंस ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट, क्लास कैन बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। अच्छा ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिएक्ट का एक बड़ा अच्छा पार्ट है। ए लेट्स से हमारे पास डेटा है और उस डेटा में चेंजेस होते हैं तो हमें उसका अंदाज़ा हो कि ये डेटा जो है वो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, रादर देन जैसे हम लोग पहले करते थे कि हम लोग डेटा क्या खुद सेट करते थे जाके। ये बहुत अच्छा काम कर देता है कि हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स पास करते हैं और सुपर को प्रॉप्स दे देते हैं। और यहाँ आके रखते हैं स्टेट इक्वल्स टू नेम उस्मान आबिद, और यहाँ पे इट शुड बी क्लास कंपोनेंट। ओके ये डायरेक्टली सेट करने का मना का, सेट इज नॉट डिफाइंड, स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ओके स्टेट इज नॉट डिफाइंड, लाइफ साइकिल। सेट स्टेट, ओके सॉरी माय मिस्टेक, दिस डॉट स्टेट कहेंगे क्योंकि स्टेट क्लास लेवल पे पड़ी हुई होती है, नॉट इन अ फंक्शन लेवल। ये भी हम जो है ना कोशिश करते हैं इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। दिस जो है वो रेफर करता है टू क्लास, ये हम लोगों ने जावा के अंदर पढ़ा होगा। जब भी हम जो है ना एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं तो हमें दिस के बारे में समझना होगा कि दिस जो है ना वो कहाँ रेफर कर रहा है। फॉर दिस क्लास कॉम्पोनेंट, दिस जो है वो रेफर कर रहा है इस क्लास को।
इस क्लास के अंदर जो स्टेट है उसके अंदर ये वैल्यू सेट कर दो, और इस स्टेट को हम एक्सेस यहाँ करना है तो हम कहेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट करवाया हुआ है क्या, हम यूटिलाइज कर रहे हैं फीड यूजर नेम, और मैं इसको फॉर द टाइमिंग हटा देता हूँ, फीड यूजर नेम दिस डॉट स्टेट डॉट नेम अवेलेबल नहीं हो रहा इसको। ओके तो माई मिस्टेक, यहाँ पर हम लोगों ने एरे लगा दिया है, यहाँ पर आ गया उस्मान क्लास कंपोनेंट। हम इसको लूप से हटा देते हैं और इसको डायरेक्टली रख, बल्कि नहीं हम उसमें ही रहने देते हैं। अच्छा अब ये स्टेट से नाम को रिसीव कर रहा है, बट हम तो इसको प्रॉप्स के थ्रू नाम दे रहे हैं। अच्छा हाँ, हम लोग इस बारे में थे कि स्टेट जो है ना वो एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका क्या मतलब है? अब लेट से देयर इज अ फंक्शन, जैसे हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं क्लिक और सेट नेम समबडी, और इस पे ऑन क्लिक लगाते हैं, और ऑन क्लिक पे हम करते हैं दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट में हम पास करते हैं नेम समबडी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे होता क्या है, इस पर टैप किया और नेम ऑटोमेटिकली समबडी पे चेंज हो गया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने स्टेट में जाकर उस वेरिएबल के वैल्यू को ऑल्टर किया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेट जो है, स्टेट के अंदर जो वेरिएबल्स पड़े हुए ये ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स हैं, अगर आप इनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं तो क्लास कॉम्पोनेंट खुद ही इसको ऑब्जर्व करके आपके लिए री रेंडरिंग कर देता है व्यू की। आपको डॉट सेट वैल्यू नहीं करना पड़ेगा, आइंदा वैल्यूज मिलने के बाद आपको कुछ भी डबल डबल नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप एक्सेस करें और री वैल्यू करें और आपके पास जो है वो अवेलेबल हो जाएगा ऑन द व्यू। ये स्टेट का ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स का बहुत अच्छा फायदा है कि आप जो है ना, आपको अब लेट से डेटा आया है सर्वर से, या फिर आपने जैसे अभी पहले देखा था आपको लाइक का बनाना होगा, जैसे पहले ये ग्रे कलर का होगा, देन आप टैप करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, तो आपको सिंपल ऐसा ही करना है कि लेट से यहाँ पे कहता हूँ मैं एक्टिव, और आई लाइक का एक मैं बना देता हूँ फॉल्स, और यहाँ पर आते हैं हम लोग कंटिन्यू बटन का कलर चेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आई लाइक और नॉट, और यहाँ पे इसको लाइक बना देते हैं, और स्टेट से वो भी काम लेते रहते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे एक जेसन पास करेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे, और यहाँ पर आते हैं यहाँ बोलेंगे सेट स्टेट नेम एन प्लस आई लाइक को ट्रू कर दो, और आई लाइक फॉल्स है तो मैंने यहाँ पर पहले से ही रेड करके रखा हुआ है, मुझे इतना करना है आई लाइक को चेक करना है, सॉरी आई लाइक भी स्टेट में से निकाल के दिस और स्टेट डॉट आई लाइक, ये टर्नरी ऑपरेटर में लगा रहा हूँ, अगर आई लाइक तो रेड कर देना एल्स ट्रांसपेरेंट रहने देना। और यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट है, वंस मैं टैप करता हूँ तो वो रेड कलर का हो गया। तो ये आप जो है स्टेट से चीजें कर सकते हैं काफी सारी, वो समबडी भी हो गया, वंस आप यूजर की जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर जो आपको यूआई में चेंजेस करने, दे कैन बी मेड फास्ट बाय स्टेट्स। ओके फर्दर डाउन हम जाते हैं हमारी हमने क्या आगे देखना है, स्टेट एंड लाइफ साइकिल्स, लाइफ साइकिल्स पे आ जाते हैं। लाइफ साइकिल्स जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास कंपोनेंट बनाते हैं, तो क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में क्या फर्क है, यही है कि वो माउंट होता है, अपडेट होता है एंड अनमाउंट होता है। माउंट का मतलब है स्क्रीन पर आना, अपडेटिंग का मतलब है जैसे हम लोगों ने देखा ये माउंट हुआ हुआ है एंड देन जैसे ही मैंने किया तो ये अपडेट हुआ है,
ये हमारे को ये लाइफ साइकिल का एक फंक्शन है, एंड अनमाउंटिंग अनमाउंटिंग जो है इसको रिमूव करना, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे एक डिलीट का बटन बनाते हैं, डिलीट, और बल्कि डिलीट का हम लोग यहाँ से अंदर से सेल्फ पोस्ट डिलीट करते हैं, क्रिएट की भी है पोस्ट बटन, डिलीट दिस पोस्ट, एंड डिलीट दिस पोस्ट क्या करेगा, ऑन क्लिक ये दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रिमूव कॉल करेगा, और रिमूव में जो है रिमूव कॉल कर देगा सिंपली, और यहाँ से हम लोग रिमूव का फंक्शन पास कर देते हैं। रिमूव के फंक्शन के कॉल बैक में क्या करना होगा, कि जैसे ही रिमूव कॉल हो आपने करना है दिस डॉट, सॉरी यहाँ पे हम लोग फंक्शन में तो हमें दिस करने की जरूरत नहीं, फीड्स डॉट स्प्लाइस 0 एंड 1 टाइम, 0 इंडेक्स को रिमूव करें एंड 1 टाइम रिमूव करना है आपने, और जैसे ही मैं डिलीट दिस पोस्ट करूंगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है हमारे पास, हम देखते हैं दिस डॉट स्प्लाइस रिमूव फीड्स डॉट स्प्लाइस 01, एंड देन उसके बाद कंसोल कर लेते हैं। दो का एरे था जब मैंने रिमूव किया, तो क्या वो 1 हो गया या नहीं, हो गया बट री रेंडर नहीं हुआ। ओके, री रेंडर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास व्यू जो है वो डेवलप नहीं हुआ। फंक्शन कंपोनेंट का एक प्रॉब्लम ये भी है, लेकिन इसको री रेंडर करना पड़ेगा। सो फिलहाल हम लोग इसको रखते हैं साइड पे, और मैं आपको अनमाउंटिंग जो है वो बता रहा था, तो अनमाउंटिंग उसके लिए सिंपल ये है कि जब मैं इसको माउंट करने के बाद स्क्रीन से हटा दूंगा, तो जब ये स्क्रीन से हट रहा होगा तो उस वक्त मुझे जो इवेंट मिलेगा वो अनमाउंटिंग कहलाएगा। मैं हम लोग अभी इसको करके देखते हैं। माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डॉम, रिएक्ट हैज 4 बिल्ट इन मेथड्स दैट गेट कॉल्ड इन दिस ऑर्डर व्हेन माउंटिंग अ कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर रेंडर कंपोनेंट डिड माउंट। हमारी जो क्लास कंपोनेंट है उसके अंदर जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्टर है, ये माउंट से पहले कॉल होता है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन जो कॉल हो जाता है जब हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद सेकेंड इज रेंडर, थर्ड इज कॉम्पोनेंट डेड माउंट। डेड माउंट में जैसे कि जब स्क्रीन पर व्यू अवेलेबल हो जाए उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कॉन्सोल भी लगा लेते हैं ताकि आपको इनकी लाइफ साइकिल का पता रहे। कंस्ट्रक्टर सिंपल कॉपी एंड पेस्ट, हियर कॉपी एंड पेस्ट, हियर कॉपी एंड पेस्ट। तो हमने देखा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, रेंडर कॉल हुआ, एंड कंपोनेंट डेड माउंट कॉल हुआ। कंपोनेंट डेड माउंट कब कॉल होता है, अगेन वही जैसे मैंने बताया कि वंस व्यू रेंडर हो जाए उसके बाद कॉल होता है। इसका फायदा यह है कि लेट से मैं कहता हूँ कि जब मेरा व्यू रेंडर हो जाए तो मुझे उसके अंदर कुछ ये अल्टरेशन कर देना, दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट जब रेंडर हो जाए तो मेरे लेट से अगर फॉल्सी डाटा आ जाता है हमारे पास, तो मेरे सारे के सारे जो स्टेट के अंदर इज लाइक पड़ा हुआ है उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रखना, ठीक है। सो लेट से पहले हम इसको ट्रू करके देखते हैं, तो बटन मेरा पहले से ही रेड है, और जब मैंने इसको किया तो वो लाइक जो है लाइक व्हाइट कलर का हो गया। क्यों, क्योंकि डाटा भले फॉल्स ट्रू हो, मैंने डेड माउंट में आकर जो है ना उसको पहले से ही सेट कर लिया है कि वंस रेंडर हो जाए तो मेरी जो है ना डाटा को इस तरीके से ड्रॉ कर देना। ओके, ये माउंटिंग फंक्शंस हो गए, द रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड, एंड हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट मैं मिस कर गया,
क्लास कंपोनेंट में रेंडर फंक्शन मस्ट है, इसके बिना जो है कंपोनेंट रेंडर ही नहीं होगा बल्कि कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, और अगर आप इसमें से रिटर्न भी नहीं करेंगे तो भी कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। हम दोनों चीजें करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास इतना बड़ा एरर आ गया। ओके, फर्दर डाउन जाते हैं हम लोग। लाइफ साइकिल अपडेटिंग, अपडेटिंग जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो हैं इतने सारे हम लोगों ने माउंट किया, माउंट करने के बाद कुछ काम किया। अब लेट से मैं अपडेट करने जा रहा हूँ तो कंपोनेंट शुड शुड कंपोनेंट अपडेट में जाते हैं और देखते हैं कि लेट से यूजर ने लाइक किया है तो वो कर भी सकता है कि नहीं। अब कोई और यूजर जो है वो लाइक करने जा रहा है या डिलीट का बटन प्रेस करने जा रहा है। डिलीट को फिलहाल के लिए मैं साइड पे करता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम आई है इसमें। शुड अपडेट में मेरे पास जो है प्रॉप्स अवेलेबल होंगी और मैं देखूंगा कि जो है स्टेट एंड न्यू स्टेट, और मैं देखूंगा कंसोल के क्या अपडेट होने जा रहा है स्टेट एंड न्यू स्टेट। पिकअप कॉल होता है, जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा फंक्शन कॉल हुआ कि भाई पुरानी स्टेट ये थी और न्यू स्टेट ये होने जा रही है। सॉरी, ये है प्रॉप्स और ये है स्टेट। सो मेरे पास प्रॉप्स में फीड मौजूद है और मैं जो हूँ इसको ट्रू करने जा रहा हूँ लाइक को, और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको जो है ना रिटर्न करता हूँ कि फॉल्स, आपने व्यू को अपडेट नहीं करना। ओके सॉरी, पहले ही इस लाइक को फॉल्स करते हैं ताकि हमें ट्रांसिशन दिखे। अब क्योंकि मैंने अपडेट को फॉल्स, अपडेट से फॉल्स रिटर्न किया हुआ है तो वो अपडेट नहीं करने देगा। अब मैं इसी को कमांड पे लगा देता हूँ। लेट से यूजर नेम, फीड से जो यूजर नेम आ रहा है, इफ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट फीड नॉट नेम इक्वल इक्वल्स टू उस्मान, तो फिर मुझे जो है ये हम टर्नरी बना लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करना है। इफ दिस तो ट्रू, एल्स फॉल्स। सो हम देखते हैं कि हमारे डेटा में एक उस्मान है और एक हशाम है। और ये नाम हम यहाँ भी प्रिंट करवा लेते हैं, दिस डॉट फीड के बजाय नेम हम प्रॉप से लेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, या फिर हम ऐसे करते हैं क्योंकि हम लोग स्टेट्स को अपडेट भी कर रहे हैं, यूजर के नेम को बार बार ऑल्टर भी कर रहे हैं, तो हम नेम को डायरेक्टली ही दिस डॉट प्रॉप्स डॉट फीड डॉट नेम ले लेते हैं। उस्मान एंड हशाम यहाँ आ गया। जो डेटा आया उसको हम लोगों ने प्रॉप्स में सेट, स्टेट में सेट कर दिया, और स्टेट से क्योंकि हम लोग स्टेट से स्टेट ऑब्जर्वेबल है तो उसके अंदर कोई चेंज करेंगे तो हमको वो दिखाई देगा। फीड यूजर नेम टू समबडी एंड लाइक, तो हमने क्या किया, अगर हम यही प्रॉप्स में ऑल्टर करते तो प्रॉप्स ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स नहीं है तो वो हमको रिटर्न नहीं करते। अब हम जो फंक्शन कर रहे थे कि अपडेटिंग चेक कर रहे थे, हम यहाँ आते हैं तो हशाम पे टैप करते हैं तो हमें अपडेट नहीं करने दे रहा, बट हम उस्मान पे टैप करते हैं तो हमें अपडेट करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है शुड कंपोनेंट अपडेट में, ये अपडेट की लाइफ साइकिल का सबसे पहला फंक्शन है। अगर यहाँ से हम ट्रू पास कर देते हैं समहाउ या फिर इसको डिफाइन नहीं करते तो ये ऑलवेज ट्रू होगा तो रेंडर कॉल हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसको कॉन्सोल यहाँ भी लगा देते हैं। और यहाँ पर आके हम देखते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर रेंडर एंड शुड कंपोनेंट अपडेट चले हैं, और अब मैं दोबारा टाइप करता हूँ तो फिर से शुड कंपोनेंट अपडेट एंड रेंडर, ओ सॉरी, हमने यहाँ से टू रिटर्न नहीं करवाया शाम के टाइम टाइम पे। यहाँ आते हैं, टैप करेंगे शुड कंपोनेंट अपडेट एंड देन रेंडर कॉल हो गया,
ओके फर्दर हम आगे जाते हैं, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट, डिड अपडेट अगेन वही के अपडेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट विल माउंट विल अनमाउंट। जब कंपोनेंट स्क्रीन से हट रहा होता है तो उस वक्त ही ये फंक्शन कॉल हो जाता है, जब आप डिलीट करेंगे। अभी डिलीट का समहाउ हम काम नहीं कर पा रहे, बट मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, टाइम बच जाए तो मेरे पास। तो ये हमारे पास कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हो जाता है। ये लाइफ साइकिल थे हमारे क्लास के, और क्या नाम है, कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट के, और ये लाइफ साइकिल है डेवलपर की। काम करता है, सोता है और बस रोता रहता है। ओके यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने टॉपिक कवर किए अपने स्टेट्स, हमने इंट्रोडक्शन किया एसपीए का, रिएक्ट जीएस किया, जीएसएक्स रेंडरिंग एलिमेंट्स किए, कंपोनेंट्स प्रॉप्स एंड लाइफ साइकिल्स। अब हम कोशिश करते हैं, हमने कोड भी काफ़ी लिखा है, सो हम करते हैं जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हम उनको कवर करते हैं और सेशन को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ओके आई एम एपटेक स्टूडेंट बैच ग्रेट उमैर हमाद कह रहे हैं सर हाउ कैन वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट दो थ्रू कमांड लाइन। हमाद इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपको शुरू में यहाँ पे डिफाइन किया। विंडोज के अंदर आपने किसी भी फोल्डर पे आके सीएमडी ओपन कर लेना है, और मैक के अंदर आपने कमांड टर्मिनल ओपन कर लेना है और कमांड लिखनी है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे बता देना आपकी ऐप का नाम। माई ऐप मैंने पहले बनाई, माई ऐप 2। अब ये आपके लिए नोड मॉड्यूल्स को डाउनलोड करेगा और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। ये इंटरनेट पे बेस होता है, लेंथी प्रोसेस होता है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही करके रख लिया था। जैसे ये करेंगे रॉ फॉर्म में आपके पास प्रोजेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप एक बार ओवरव्यू दे दें प्लीज। नितिन आपको किस चीज़ का ओवरव्यू चाहिए? सर ये यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, बिल्कुल ये यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, सो आप लोग वहाँ भी क्वेरी कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझसे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर क्वेरीज हो आप लोगों की तो वहाँ पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है और वो अपलोड होगी यूट्यूब पर भी, और फर्दर ऑन आप मुझसे क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हैं कॉन्टेक्ट करके वाया लिंक्डइन। सो आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई हैं जो आज के सेशन में हम लोगों ने करी थी। अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ नहीं आया और लगता है कि हमें इसको और डीपली करना होगा, या हमें आपके लिए इसके लिए और कोई व्यूज़ बनाने हो या इंटरेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ानी हो, तो आप मैम हाजरा तक पहुँचा दें या हम तक पहुँचा दें, ताकि जो है ना हम लोग फिर इसका पार्ट 2 कर लें। या क्योंकि मुझे इसमें अंदाज़ा हुआ कि इसमें इंटरेक्टिविटी कम है, सो मे बी बोरियत भी हुई हो और इसमें ज़्यादा थियोरेटिकल बातें हुई। सो ऐसा करेंगे हम लोग कि अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए हुआ तो आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा इनसे, एपटेक से, तो हम फर्दर डाउन फिर एक प्रॉपर वेबसाइट बना के देखेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।